हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल फूड कुकिंग रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड़ की चाय की रेसिपी। कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि जब भी वो गुड़ की चाय बनाते हैं और जैसे ही वो चाय में दूध डालते हैं वैसे ही उनका दूध फट जाता है, लेकिन आज के बाद आपकी चाय में दूध डालते ही कभी नहीं फटेगा क्योंकि आप मेरी बताई हुई ट्रिक के अनुसार चाय बनाइएगा। तो चलिए बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ये एक बर्तन में एक गिलास पानी गरम होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें एक टुकड़ा अदरक का साफ करके काट के धोकर इसे कूट कर डाल देंगे। इसमें हम ये आधा चम्मच चाय पत्ती का डालेंगे। चाय में उबाल आ गया है, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ आप उतना डालें जितनी मीठी आप चाय पीना पसंद करें। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें दूध डाल देंगे। बस पूरा खेल यहीं पर है। चाय में मैं जो दूध डाल रही हूँ वो एकदम गर्म दूध है। मैंने गैस के दूसरी तरफ दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल उबलता हुआ गर्म दूध है, इसे हम चाय में डालेंगे। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ठंडा दूध चाय में डालते हैं और जैसे ही चाय में डालते हैं वैसे ही हमारी चाय फट जाती है। तो आज के बाद आपकी गुड़ की चाय कभी नहीं फटेगी। देखिए चाय में उबाल आना शुरू हो गया है और हमारी चाय फटी भी नहीं। गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिए और चाय इसको 1 मिनट तक ऐसे ही पकने दीजिए धीमी आंच पर। हमारी चाय बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस को करते हैं ऑफ और चाय को छान लेते हैं। ये चाय बनकर हो चुकी है तैयार। ये देखिए ये चाय फटी भी नहीं है और कितनी अच्छी बनी है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।